हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा और आज मैं आप लोगों के लिए एमएससी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ, हैव मर्सी। सो लेट्स स्टार्ट। एंटोनियो वॉज अ रिच मर्चेंट ऑफ वेनिस। वेनिस का एक रिच मर्चेंट था एंटोनियो, उसका फ्रेंड था बेसिनियो, जिसको अपनी फ्रेंड पोर्शिया से मिलने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी। पोर्शिया अ वेल्दी लेडी हु लिव्ड इन द सिटी ऑफ बेलमाउंट। बेसिनियो ने एंटोनियो से कुछ पैसों के लिए उधार लेने के लिए बोला, ताकि वो बेलमाउंट जाकर के पोर्शिया से मिल सके। एंटोनियो एग्रीड हो गया, लेकिन वो अपने लेवल पर यानी खुद से उसे पैसे देने में सक्षम नहीं था, क्योंकि उसने खुद ने अपने पैसे अपने एक शिप पर इन्वेस्ट किए हुए थे जो कि अभी भी समुद्र में था। इसलिए उसने सजेस्ट किया कि उसका फ्रेंड शैलोक है, जो कि एक मनी लेंडर है, एज अ गारंटर वो उसे लोन दिलवा देगा और एंटोनियो उसका लोन गारंटर बनता। तो उसने शैलोक से लोन देने के लिए बेसिनियो को अप्रोच किया। शैलोक रेडी हो गया विदाउट इंटरेस्ट उसको 3000 मुद्रा देने के लिए, लेकिन उसमें एक केस उसने ऐड कर दिया कि वो बेसिनियो कुड नॉट पे। यदि वो बेसिनियो लोन पे नहीं कर पाएगा तो उस केस में वो अपने मांस का फ्लैश का एक पाउंड उसे दे देगा। जब लोन सिक्योर हो गया तो बेसिनियो पोर्शिया से मिला और उसे शादी कर ली। तभी एंटोनियो ने सुना कि जो उसका शिप है वो डूब गया है, और शैलोक को उसने इंसिस्ट किया कि वो भी पैसे देने में एबल नहीं है, लेकिन शैलोक ने उनकी किसी भी रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया और उसने कहा कि जो मैटर डिसाइड हुआ था अब उसे ही करना होगा। जो वेनिस का ड्यूक था उसने उन्हें एक लीगल एक्सपर्ट के पास जाने के लिए बोला। पोर्शिया एक लॉयर थी और उसने हर कोशिश की कि वो शैलोक को कन्विंस कर सके कि वो पैसे पे कर दे, ना कि उसको मांस का कोई टुकड़ा दे, लेकिन शैलोक अपने ही बॉन्ड पर टिका रहा और उसे सिर्फ एंटोनियो का फ्लैश चाहिए था। बेसिनियो रेडी था शैलोक को 10 times the sum का जो 10 times था वो देने के लिए एज अ लोन, बट शैलोक ने कोई मर्सी कोई दया एंटोनियो पर नहीं की। फाइनली पोर्शिया आज शैलोक टू कट द फ्लैश फ्रॉम एंटोनियोज बॉडी। फाइनली पोर्शिया ने शैलोक को कहा कि वो एंटोनियो की बॉडी से मांस का टुकड़ा ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है उसकी। उसने कहा कि शैलोक, यू मे कट द फ्लैश फ्रॉम द बॉडी ऑफ एंटोनियो बट यू कैन नॉट टेक इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड। मीन्स शैलोक, तुम मांस का टुकड़ा ले सकते हो, लेकिन जब वो मांस का टुकड़ा ले तब कट करते टाइम एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड यानी खून की एक बूंद भी उसके शरीर से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ उसके बॉन्ड में लिखी हुई नहीं थी। और यदि तुम एक भी खून की बूंद निकले बगैर वो फ्लैश यानी कि मांस का टुकड़ा काट सकते हो तो तुम्हें अलाउ है कि तुम वो टुकड़ा ले सको, लेकिन यदि एक भी बूंद खून की निकली तो तुम्हें इसके लिए पनिश किया जाएगा। शैलोक ने डिसाइड किया दैट ही वुड नॉट टेक फ्लैश। उसने पोर्शिया से कहा कि उसे अमाउंट दे दीजिए। उसे समझ में आ गया कि बिना खून की एक भी बूंद निकले वो मांस का टुकड़ा नहीं निकाल सकता, इसलिए वो एग्री हो गया कि अब वो उसे लोन के लिए अमाउंट दे दे, लोन चुकाने के लिए, ना कि उसे मांस का टुकड़ा चाहिए था। पोर्शिया ने कहा कि लॉ के अकॉर्डिंग यदि कोई भी विदेशी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी नागरिक के जीवन की तलाश करता है और अगर यह प्रूफ हो जाता है तो उसका आधा माल पीड़ित को दान कर दिया जाता है और दूसरा आधा राज्य में आ जाता है। ये सुनकर के शैलोक थोड़ा डर गया और उसने एंटोनियो से रिक्वेस्ट करना स्टार्ट किया और उससे माफ़ी मांगी। एंटोनियो एक मर्सीफुल पर्सन था, वो एक दयावान पर्सन था। उसने कहा कि मुझे किस संपत्ति का आधा भाग नहीं चाहिए, सो प्लीज़ माय लॉर्ड, आप जितना जो भी है आप उसका सभी शैलोक को ही दे दीजिए, मैं उसे माफ़ करता हूँ। शैलोक को शर्मिंदगी हुई और उसे फॉरगिवनेस और मर्सी की इम्पोर्टेंस का पता चला। When I do good, I feel good. When I do bad, I feel bad. And that's my attitude of having mercy. जब मैं अच्छा करता हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है, जब मैं बुरा करता हूँ तो मुझे बुरा फील होता है, यही मेरे mercy का एक attitude है। Thank you so much. Have a nice day.